क्या आप भी आपके बिजनेस के लिए और पर्सनल यूज के लिए एक पैसेंजर व्हीकल देख रहे हैं? क्या आप भी आपके एग्रीकल्चरल यूज और पैसेंजर यूज के लिए एक गाड़ी देख रहे हैं, वो भी बजट सेगमेंट में 7 और 8 लाख रुपए के नीचे? तो ये वीडियो आपके लिए है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजिंक्य, आप देख रहे हैं ट्रक टॉक्स और आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं बजट फ्रेंडली पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में, जो अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 लाख रुपए के बीच में आती है। एंड इन गाड़ियों का एप्लीकेशन ज्यादातर दोस्तों ग्रामीण इलाकों में के ग्राहकों को ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, जहां पर एग्रीकल्चरल यूज हो, अपना पर्सनल पैसेंजर यूज हो, या फिर आपका मतलब सवारी ट्रांसपोर्ट करने का बिजनेस हो किसी भी इलाके में, तो ये गाड़ियां काफी परफेक्ट साबित हो सकती है। तो पूरे इंडियन मार्केट में 3 ऐसी गाड़ियां जो हमने चुनी है, जो इस बजट सेगमेंट में आती है, 8 लाख रुपए के आसपास, 8 लाख के अंदर ही आती है मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स। तो इन सारी गाड़ियों के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो गाड़ियां होती है, इनका एप्लीकेशन एक सेट एप्लीकेशन होता है, मतलब बेसिकली इन्हें आप जो कंपनी इन्हें बनाती है, इन्हें सवारियों के लिए बनाती है, पैसेंजर एप्लीकेशन के लिए बनाती है। 7 to 10 सीटर की इनकी कैपेसिटी है। उसी के साथ साथ इन गाड़ियों को आप पैसेंजर के अलावा आपके घर के यूज के लिए, सामान ले जाने आने के लिए, खेती का सामान, अगर आप कुछ खेत में उगाते हो तो उनके क्रेट्स वगैरह आपको कभी कभी ट्रांसपोर्ट करने हो, तो उन नॉमिनल सी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज के लिए भी आप इस गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके घरों में भी इन गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सही मायने में ये MPV यानी कि मल्टीपर्पज व्हीकल्स हुई। तो आइए इन गाड़ियों के बारे में जान लेते हैं। पहली गाड़ी है मारुति सुजुकी की इको। आप तो जानते हैं काफी फेमस गाड़ी है, इसके बारे में आपको क्या बताऊं, आपको इसके बारे में मेरे से ज्यादा मालूम होगा। मारुति की इको एक ऐसी गाड़ी है जो एक बजट फ्रेंडली गाड़ी है, CNG पेट्रोल के जो ऑप्शंस है कस्टमर्स को उपलब्ध है, एंड इसको एंडलेस एप्लीकेशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं भाई। एंड बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आता है 1.2 लीटर का पेट्रोल और SCNG ड्यूअल जेट VVT इंजन, जो इसे पेट्रोल में चलाने पर 59.4 किलोवाट की पावर और CNG में चलाने पर 52.7 किलोवाट की पावर प्रदान करता है। टॉर्क की बात करें तो 104.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क पेट्रोल पर मिल जाता है और 95 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है आपको CNG में मिल जाता है। माइलेज एवरेज की बात करें, जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, पेट्रोल में कंपनी क्लेम्ड इसका माइलेज है 19.71 किलोमीटर पर लीटर और CNG में इसका कंपनी क्लेम्ड एवरेज है 26.7 किलोमीटर पर KG। और इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 7 सीटर स्टैंडर्ड पेट्रोल वेरिएंट जो है वो 5,53,000, मतलब 5,50,000 के आसपास आ जाता है एक शोरूम, और जो इसका 5 सीटर AC CNG वेरिएंट है वो लगभग 6.5 लाख रुपए के आसपास एक शोरूम उपलब्ध है। अब दोस्तों, ये जो प्राइस है, ये एक शोरूम प्राइस है, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑन रोड प्राइस आपके अलग, भारत के अलग अलग शहर में अलग अलग होगी, तो नजदीकी मारुति सुजुकी की डीलरशिप में जाके आप इस गाड़ी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इसमें वेरियंट कई सारे आते हैं। पहला वेरिएंट है 5 सीटर स्टैंडर्ड, दूसरा है 5 सीटर AC जिसमें CNG और पेट्रोल दोनों ऑप्शंस है, और तीसरा वेरिएंट है 7 सीटर स्टैंडर्ड। सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको ड्यूअल एयरबैग्स, ABS प्लस EBD यानी कि एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ और रिवर्स पार्किंग सेंसर इत्यादि कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। गाड़ी में कई सारे कलर ऑप्शंस उपलब्ध है, तो आप आपके पसंद का कलर जो है आसानी से चुन सकते हैं। एंड काफी बढ़िया गाड़ी है, इंडियन मार्केट में जो है काफी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रही है पिछले कई सारे सालों में, एंड पैसेंजर के साथ साथ नॉमिनल घर के यूज के लिए काफी बढ़िया साबित हो सकती है, अंडर 7 लाख जो आपको ये गाड़ी उपलब्ध है। आइए बढ़ते हैं दूसरी गाड़ी की ओर, जिसका नाम है टाटा मोटर्स की मैजिक। दोस्तों, मैजिक जो गाड़ी है, इसके रूरल इंडिया के साथ कई सारे इमोशंस है, मतलब ग्रामीण भाग में कई ज्यादा बहुत ज्यादा चलती है ये गाड़ी। काली पीली हो, टैक्सी हो, सवारी ले जाने हो, घर का यूज हो, हर अभी टैक्सी खरीदने वाला मतलब सवारी ले जाने वाला घर के यूज के लिए भी गाड़ी इस्तेमाल करेगा, खेती वगैरह में इत्यादि, तो टाटा मैजिक जो है काफी बढ़िया गाड़ी रही है। इसके BS6 में जो है टाटा मैजिक एक्सप्रेस आती है, एंड उसी के साथ साथ कंपनी ने हाल ही में पेट्रोल मॉडल जो है वो भी लॉन्च किया है। तो ये इसके एक्सप्रेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं, जो डीजल मॉडल है। तो दोस्तों, ये जो मॉडल है 10 सीटर वेरिएंट है टाटा मोटर्स की जो मैजिक एक्सप्रेस है BS6, इसमें 798 cc का डायकॉर्ड 2 सिलेंडर इनलाइन यानी कि डायरेक्ट इंजेक्शन कॉमन रेल डीजल BS6 इंजन आता है, जो इसे 44 HP की ताकत और 110 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रदान करता है। 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसमें आते हैं और 13 इंच के बड़े टायर्स इसमें दिए गए हैं, ताकि थोड़े बहुत ऑफ रोडिंग यानी कि उबड़ खाबड़ रस्तों पर भी ये गाड़ी बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर ले। 9+D यानी कि टोटल 10 लोग इसमें आसानी से बैठ सकते हैं ड्राइवर के साथ, ड्राइवर के अलावा 9 लोग इसमें बैठ सकते हैं।
सकते हैं। इसको जो एक्स शोरूम प्राइस है दोस्तों वो शुरू होती है 7,34,000 यानी कि लगभग 7,30,000 रुपए से इसकी एक्स शोरूम प्राइस शुरू हो जाती है। और माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम्ड इसका माइलेज है 21.84 किलोमीटर पर लीटर का। इस गाड़ी पर आपको कंपनी से 2 साल या 72,000 किलोमीटर की वारंटी भी मिल जाती है। तो लगभग 7.5 लाख रुपए की एक शोरूम प्राइस, 7,35,000 तक की इसकी एक शोरूम प्राइस है। एंड ऑन रोड प्राइस के लिए आप आपके नज़दीकी शोरूम में जरूर विजिट कर सकते हैं। एंड इस गाड़ी के बारे में अगर आप अधिक जानकारी जानना चाहते हो तो वहां जाकर आपको जरूर मिल जाएगी। इसी के साथ साथ हाल ही में जो है टाटा मोटर्स ने मैजिक पेट्रोल भी इंट्रोड्यूस की है। मैजिक एक्सप्रेस और मैजिक पेट्रोल में डिफरेंस क्या है? मैजिक एक्सप्रेस में डायकोर इंजन आता है, मैजिक पेट्रोल में जो है टाटा एस वाला जो पेट्रोल इंजन है MPFI मल्टीपॉइंट फ्यूल इंजेक्शन वाला वो दिया गया है। एंड इसमें वही पुराने मैजिक के जो है गोल गोल लाइट्स पारंपरिक पद्धत के जो है वो दिए गए हैं। तो इसके बारे में, इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और प्राइस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। प्राइसिंग की बात करें तो इस गाड़ी की जो एक शोरूम प्राइस है 5,65,200 रुपीज यानी कि लगभग 5,65,000 रुपए से इसकी एक शोरूम प्राइस जो है वो शुरू हो जाती है। एंड ये भी एक 9+D वेरिएंट है, 9 लोग इसमें बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं और 10वां ड्राइवर। इंजन की बात करें तो उसमें 2 सिलेंडर इनलाइन 694cc का पेट्रोल MPFI यानी कि मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन इंजन दिया गया है। याद रखना दोस्तों ये गाड़ी सॉफ्ट टॉप है, इसमें हार्ड टॉप वेरिएंट आपको नहीं दिया गया है। ये इंजन इसको 30 HP की ताकत और 55 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रदान करता है और इसमें 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। प्राइसिंग के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया, 5,65,000 रुपीज से इसकी एक शोरूम प्राइस जो है वो शुरू होती है और इसमें लगभग आप 2 साल या 72,000 किलोमीटर की वारंटी कंपनी की ओर से आपको दी गई है। तो दोस्तों ये थे टाटा मैजिक के दोनों वेरिएंट्स, एक्सप्रेस और पेट्रोल। तो ये दोनों वेरिएंट्स कंपनी ने दिए हैं एंड ग्राहक अपनी एप्लीकेशन या अपने यूज़ के हिसाब से दोनों में से चुन सकते हैं। आइए बढ़ते हैं तीसरी इस कैटेगरी की गाड़ी की ओर, जो भी एक काफ़ी बजट फ्रेंडली गाड़ी है एंड इस बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से सूट भी करती है, वो है महिंद्रा की सुप्रो मिनी वैन। तो दोस्तों महिंद्रा की जो सुप्रो मिनी वैन रेंज है, दो वेरिएंट आते हैं, मिनी वैन और मिनी वैन VX, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मेन तो इंजन का है, प्राइस का है, माइलेज का भी डिफरेंस है, तो आइए इनके बारे में जान लेते हैं। सुप्रो भी एक काफी बढ़िया रोल प्ले करती है इंडियन पैसेंजर सेगमेंट में, जो बजट फ्रेंडली पैसेंजर कैटेगरी है कमर्शियल में, उसमें काफ़ी बढ़िया रोल प्ले करती है, ग्रामीण इलाकों में काफ़ी ज़्यादा बिकती है। उसी के साथ साथ अगर आप माता वैष्णो देवी के टेम्पल में गए होंगे कटरा में, तो वहाँ पर जो सवारियों को ले जाने के लिए मैंने इसका इलेक्ट्रिक वर्जन भी देखा था, हालांकि इलेक्ट्रिक वर्जन अभी डिसकंटिन्यू कर दिया है महिंद्रा ने। तो इसके डीजल वेरिएंट्स के बारे में जान लेते हैं। पहला वेरिएंट है महिंद्रा की सुप्रो मिनी वैन और दूसरा वेरिएंट है महिंद्रा की सुप्रो मिनी वैन VX। दोनों 9+D यानी कि 10-सीटर वेरिएंट में आती है। उसी के साथ साथ इसका जो मिनी वैन वेरिएंट है उसमें आपको AC और नॉन AC के पर्याय दिए गए हैं। इंजन की बात करें तो मिनी वैन मॉडल में आपको 909cc का 2 सिलेंडर इनलाइन डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन दिया गया है, जो इसे 47 HP की ताकत और 100 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रदान करता है और इसमें 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। मिनी वैन VX वेरिएंट में 909cc का 2 सिलेंडर इनलाइन कंप्रेशन इंजेक्शन टर्बोचार्ज इंटरकूल्ड डीजल इंजन दिया गया है, जो इसे 26 HP की ताकत और 58 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क प्रदान करता है और इस गाड़ी में 4-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है। अब इनमें डिफरेंस की बात करें तो इसमें मेन डिफरेंस इंजन का है, पावर टॉर्क आउटपुट का है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसी के साथ साथ गियरबॉक्स का भी मेजर डिफरेंस दोनों वेरिएंट में दिया गया है। और सबसे मेजर डिफरेंस जो है, जो मिनी वैन वेरिएंट है उसमें पावर स्टीयरिंग मिलती है और जो मिनी वैन VX वेरिएंट है उसमें मैनुअल स्टीयरिंग दी गई है। तो ये पार्ट आप क्लियरली पॉज करके वीडियो देख लीजिए, आपके डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। दोनों को साइड बाय साइड रख के हमने डिस्टिंग्विश किया है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि मिनी वैन रेंज की प्राइस की। तो दोस्तों जो महिंद्रा सुप्रो मिनी वैन रेंज है, इसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 7,05,000 रुपए से शुरू हो जाती है। एंड माइलेज एवरेज की बात करें तो मिनी वैन वेरिएंट का कंपनी क्लेम माइलेज 19.5 किलोमीटर पर लीटर है और मिनी वैन VX वेरिएंट का जो माइलेज है वो 20.16 किलोमीटर पर लीटर का कंपनी क्लेम दिया गया है। तो दोस्तों ये थी वो 3 स्टार गाड़ियां जो पैसेंजर प्लस मल्टीपर्पज एप्लीकेशंस में इस्तेमाल हो जाती है। अब अर्बन एप्लीकेशंस, अर्बन एरिया में तो ये गाड़ियां इतनी ज्यादा नहीं चलती, हालांकि इको चलती है। मैजिक और सुपरो का इतना अर्बन एरिया में इतना योगदान नहीं है अब पैसेंजर वेरिएंट में, लेकिन ग्रामीण इलाकों की तरफ जब आप जाएंगे, जब आप रूरल एरियाज में जाएंगे, तो आपको सबसे ज्यादा यही गाड़ियां दिखेंगी, जो लास्ट माइल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट होता है, जहाँ पर बड़ी बड़ी बसेस छोटे छोटे गांवों में जा नहीं पाती, वहाँ पर ये गाड़ियाँ काफ़ी बढ़िया रोल जो है प्ले करती है। अब छोटे छोटे गांवों में से जब लोग अपना काम करने के लिए, कुछ भी सरकारी काम हो, पर्सनल काम हो, दवाखाने में जाना हो, तो इन गाड़ियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। और गाँव के किसी एक बंदे के पास ऐसी गाड़ी होती है जो बिजनेस के लिए ऐसी गाड़ी खरीदता है,
एंड वो बिजनेस के साथ साथ सवारी को कहते ट्रांसपोर्ट के साथ साथ घर के यूज के लिए भी इन गाड़ियों का इस्तेमाल करता है। इसीलिए ये गाड़ियाँ मैंने चूज की और इनके ऊपर वीडियो बनाने का मैंने डिसाइड किया, क्योंकि हमारी वीडियो जो है स्टूडेंट्स के साथ साथ बहुत सारे ग्रामीण इलाकों के लोग भी जो है हमारी वीडियोस देखते हैं। तो ये तीन गाड़ियाँ थी, इन तीनों में भी अगर आप कंपेयर करें मेरी राय माने तो मारुति की जो इको है वो एक काफ़ी बढ़िया पर्याय हो सकती है अगर आपके यहाँ पे सीएनजी की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि इन तीनों में मारुति इको एक ऐसी गाड़ी है जो सीएनजी ऑप्शन प्रोवाइड करती है एंड सीएनजी के साथ बढ़िया एवरेज भी देती है एंड उसी के साथ साथ जो है इसका इंजन काफ़ी पावरफुल है, जिप्पी है। तो इन तीनों में अगर मेरी तरफ से आपको एक रिव्यू चाहिए, मतलब मेरी तरफ से अगर आपको एक ओपिनियन चाहिए तो मारुति इको जो है काफ़ी बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। 5 सीटर और 7 सीटर के ऑप्शन में जो है गाड़ी आपके लिए उपलब्ध है। और दोस्तों इसमें सीएनजी और पेट्रोल दोनों के परे आपको दिए गए, हालांकि सीएनजी लोगे तो भाई पेट्रोल गाड़ी आएगी, सीएनजी प्लस पेट्रोल ही है वो, लेकिन प्योर पेट्रोल का ऑप्शन भी दिया गया है। जहाँ पर सीएनजी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर जो है आप इस गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं, खास करके पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा नहीं पाती वहाँ पर ये गाड़ियाँ जो है मतलब मारुति इको, टाटा मैजिक और सुप्रो जो है काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर सकती है। तो अगर आप भी ऐसे किसी बिजनेस के लिए ऐसी गाड़ी लेना चाहते हो तो ज़रूर आप इन तीनों गाड़ियों को कंसिडर कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही अनोखे टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो का लाइक बटन भी दबा दीजिएगा ताकि हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ट्रिपल एड ब्लॉग्स ट्रक टॉक्स, स्प्रेडिंग ऑल द लव अबाउट ट्रैक्स। जय हिंद।